हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वप्निल और जायका स्ट्रीट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी लेके आई हूँ और आज उसकी शीट्स भी हम घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आइए तो फिर सबसे पहले हम इसकी शीट्स बनाकर रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैं एक कटोरी मैदा ले रही हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 बोल कॉर्नफ्लावर, 1/4 चम्मच नमक और 1 टीस्पून ऑयल। मैंने रिफाइंड ऑयल यूज किया है, आप कोई भी बिना फ्लेवर वाला ऑयल यूज कर सकते हैं। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब मेरा आटा अच्छे से कंबाइन हो गया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंदेंगे। ये देखिए, मैंने अपने आटे को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम फिर से अपने आटे को 3 से 4 मिनट के लिए गूंद लेंगे, ताकि इसमें अच्छे से ग्लूटेन डेवलप हो और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। चलिए अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेते हैं। हमें लगभग पूड़ी के बराबर की लोइयां काटनी है। ये देखिए, मैंने सभी लोइयां काट ली हैं। अब हम इनको हाथ से अच्छे से मसल के इनकी छोटी छोटी टिक्कियां बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम बाकी लोइयां ढक कर रख देंगे और एक एक करके लोइयों को बेलना शुरू करेंगे। आप इस पे अच्छे से मैदा लगा लीजिए और हमें इसको पतली रोटी बेल के तैयार करनी है। आप जितनी पतली बेल पाइए आप उतनी पतली बेलिए। जब आपको लगे कि ये चिपक रहा है, आप थोड़ा सा मैदा लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरी एक शीट बेलकर तैयार है। चलिए अब इसी तरह सारी शीट्स बेलकर रेडी कर लेते हैं। हमें दो दो रोटी एक साथ चिपकानी है, इसलिए आप कोशिश करिए कि आप एक ही साइज की दोनों रोटियों को बेलें। ये मैंने लगभग पूड़ी के बराबर की रोटियां बेलकर रेडी की हैं। अब हम एक रोटी का टुकड़ा लेंगे और उस पर अच्छे से हमें रिफाइंड लगाना है। आप कोने कोने तक अच्छे से रिफाइंड लगाइए, नहीं तो आपकी दोनों रोटियां चिपक जाएंगी और वो निकलेंगी नहीं। आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से कोने कोने में ऑयल लगाया है। अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर दूसरी रोटी रखकर चिपका देंगे। अब हम इसको अच्छे से बेलकर रेडी करेंगे, बिल्कुल पतला। दो रोटियों को एक साथ चिपकाने से आपके लिए बेलने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब आप इसको बिल्कुल पतला बेल सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल पतला बेल लिया है। अब इसी तरह हम सारी रोटियां बनाकर रेडी कर लेंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस प्लेट पर आप शीट को रखें उस पर आप अच्छे से मैदा डाल दें और हर शीट रखने के बाद उसके ऊपर मैदा डालिए, ताकि जब आप उसके ऊपर दूसरी शीट रखें तो वो चिपके ना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने शीट्स बनाकर रेडी कर ली हैं और इतने आटे से आप लगभग 15 शीट्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक तवा ले लिया है और ये बहुत ही हल्का गर्म है। मैंने इसको बिल्कुल लो पे कर दिया है। अब हम इस पे अपनी रोटी डालेंगे और इसको किसी कपड़े की मदद से दबा दबा कर लगभग 10 से 15 सेकेंड के लिए हर साइड पर सेक लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस लो फ्लेम पे दोनों तरफ पलट पलट कर कुक कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको सेक रही हूँ। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा सेक लिया तो आपकी स्प्रिंग रोल की शीट्स हार्ड हो जाएंगी और वो फोल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बस इतना ही हमें सेकना है। अब मेरी रोटी सेक कर तैयार है। लाइए मैं आपको एक क्लोजअप दिखाती हूँ। ये देखिए, चलिए अब इसी तरह सारी रोटी बनाकर रेडी कर लेते हैं।
तो मैंने लगभग सारी रोटी सेक कर रेडी कर ली हैं। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसको ओपन कैसे करना है। ये देखिए, यहाँ से इसका जॉइन ऑलरेडी ओपन हो गया है, तो इसी जगह से हम उसे पकड़ के ओपन कर देंगे। अगर आप सही से ऑयल लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से अलग हो जाएगी। ये देखिए कितनी पतली शीट है और कितने अच्छे से सिकी है। आइए मैं आपको दूसरी भी ओपन करके दिखाती हूँ। आपको ये चेक करना है कि कहाँ से इसकी ओपनिंग है और वहीं से आपको ओपन करना है। चलिए अब हमारी स्प्रिंग रोल की शीट्स बनकर रेडी हैं। अब हम इसकी टेस्टी सी स्टफिंग बनाकर रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम बहुत ही थोड़ा लगभग 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें 7 से 8 कलियां लहसुन की, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, डाल रही हूँ। इसको लगभग 10 सेकंड के लिए सॉटे कर लेंगे। अब मैं इसमें एक लंबी कटी प्याज डाल रही हूँ, इसको भी हम लगभग 10 सेकंड के लिए चला लेंगे। अब हम बाकी सारी सब्जियाँ ऐड कर देंगे, जिसमें मैं एक लंबी कटी गाजर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे, बेल पेपर्स, आपके पास जो सी भी सब्जी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसको लगभग 10 सेकंड के लिए चला लेंगे। अब मैं इसमें एक कटोरी पत्ता गोभी यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसको लंबा लंबा काट लिया है। आप पत्ता गोभी ज़रूर ऐड करिएगा, इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से इसको स्टर करके लगभग 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच टोमेटो सॉस, 1/2 छोटी चम्मच सोया सॉस। सभी चीज़ों को चलाते हुए लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए कुक कर लेंगे। मैंने टोटल अपनी स्टफिंग को लगभग 3 मिनट के लिए कुक किया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है, चलिए हम इसको चिपकाने के लिए ग्लू बनाकर रेडी कर लेते हैं। जिसके लिए कटोरी में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के एक थिक पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। मैंने इसमें लगभग 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ये काफ़ी थिक है। चलिए अब अपने स्प्रिंग रोल्स बनाना शुरू करते हैं। जब तक हम इसको रेडी कर रहे हैं, आप गैस पे तेल चढ़ा दीजिए ताकि वो भी गर्म हो जाए। आपको इनको कंटिन्यूसली ढक के रखना है ताकि ये सूखे ना। अब हम एक एक चपाती लेंगे और इसके एक कॉर्नर पे हम स्टफिंग रखेंगे। इसको अच्छे से प्रेस करके एक लॉक की तरह हल्का सा बनाने की कोशिश करेंगे। अब पहले हम कॉर्नर के 2 साइड्स फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर ग्लू लगा लेंगे ताकि वो तेल में ओपन ना हो। अब इसको सावधानी से फोल्ड कर लेंगे, कॉर्नर में फिर से ग्लू लगा के इसको अच्छे से सील कर देंगे। आप इसको अच्छे से चिपका दीजिएगा ताकि ये तेल में खुले ना। लीजिए, हमारे एक स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। इसी तरह हम सभी स्प्रिंग रोल बनाकर रेडी कर लेते हैं। इसको बनाते समय बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रोटियों को हमेशा ढक कर रखिएगा ताकि ये ड्राई ना हो जाए। मेरी सारी स्प्रिंग रोल की शीट्स बनकर रेडी हैं और हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके अपने स्प्रिंग रोल्स ऐड करेंगे। फ्लेम मेरी इस टाइम मीडियम पे है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। हमें इसे अलट पलट कर अच्छा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, मैंने इनको अलट पलट कर अच्छा ब्राउन कर लिया है। अब हम इनको तेल से निकाल लेंगे। आइए मैं आपको एक बार कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी है। आई होप आप सुन पा रहे हैं, हमारे स्प्रिंग रोल्स बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बहुत ही जूसी। आइए अब सारे स्प्रिंग रोल्स को कट करके सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसको आज स्प्रिंग रोल सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए हो तो मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ जाके उसको ज़रूर चेक करिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।
चलिए फिर जल्द ही मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।